जय दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है आतिशी मार्लेना को लेकर के। दोस्तों आप लोगों के मन में ये जरूर से शंका होगी कि आतिशी मार्लेना कौन है, क्योंकि ये तो आजकल आंगनबाड़ी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। जी हाँ, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आतिशी मार्लेना जो है वो बाल विकास मंत्री हैं केंद्र सरकार, जहाँ पे केंद्र मतलब कि दिल्ली में की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी के जरिए मतलब कि वो बाल विकास मंत्री हैं, तो उनको लेकर के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अभी आंगनबाड़ी को लेकर के फोकस में है। जी हाँ, यह वो उनका कहना है कि सिंपल भाषा में कि आंगनबाड़ी को वो, जैसे दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के काफ़ी नाम होते हैं अलग अलग राज्य में, तो उसी को लेकर के यहाँ पे अपडेट निकाली गई है। आतिशी मार्लेना ने कहा है कि अब जैसे हम लोगों ने सरकारी स्कूल को बनाया, अब उसी तरीके से आंगनबाड़ी को हम लोगों को इस स्टेप से लेकर के ऊँचा वाले स्टेप को हमको लेके जाना है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ दिल्ली की। वो दिल्ली से अभी मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री, तो इस वजह से वो पूरे भारत को अभी आंगनबाड़ी के को मतलब कि और ऊंचे ले जाने चाहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम इसकी न्यूज़ की ओर बढ़ें कि आतिशी मार्लेना आंगनबाड़ी बहनों से मिलकर क्या कही, तो हम चलिए हम इस वीडियो में तो देख ही लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों से ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को आप प्लीज़ इनेबल जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने टाइटल अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिली आतिशी मार्लेना। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे अगर हम लोग खबर की ओर बढ़ें कि आतिशी मार्लेना ने मिलकर क्या कहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और आप लोगों को थोड़ा पढ़ के सुनाएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली में बेहतर माताओं बच्चों तक बेहतर स्वास्थ्य और पोषण मुहैया कराने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार अहम भूमिका निभा रही है। खुद आतिशी मार्लेना ने इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ बैठक की है। आतिशी मार्लेना ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान उनकी जमकर तारीफ भी की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंगनबाड़ी बहनों की तारीफ उन्होंने काफी ज्यादा की है। और यहाँ पे थोड़ा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, अगर हम इसी को देख लें तो यहाँ पे मार्लेना ने क्या कहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्लेना ने कहा कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स दिल्ली में हर जरूरतमंद माताओं बच्चों तक बेहतर पोषण शिक्षा और जागरूकता पहुंचाने के लिए दिन रात शानदार काम कर रही है और देश के भविष्य संवारने के इनके योगदान की कोई तुलना नहीं हो सकती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और केजरीवाल सरकार इस मिशन पर इनके सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और यहीं पे अगर हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं कि उन्होंने आगे और क्या कहा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि इंद्रपुरी प्रोजेक्ट की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान आतिशी ने कहा, इंद्रपुरी प्रोजेक्ट के आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर से लंबी चर्चा की। उन्होंने सुझाव सुनकर निर्णय लिया है कि जल्द टेक होम राशन के मेन्यू में बदलाव लाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक होम राशन मिलती है आंगनबाड़ी केंद्र में, तो उस पर जो है ना कुछ बदलाव लाएंगे, जो भी खान पान होता है तो उसको अपडेट करेंगे। आंगनबाड़ी की बेहतरीन शिक्षा के लिए बच्चों की तरक्की की है, इस मिशन पर आंगनबाड़ी वर्कर्स और केजरीवाल सरकार एक टीम की तरह काम कर रही है। यहाँ पे तक लो आप लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे देखेंगे तो आतिशी मार्लेना ने गर्भवती माताओं और बच्चों के बीच उचित पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में आंगनबाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर भरोसा करती है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आंगनबाड़ियों में सुविधाओं से कोई समझौता ना हो। इतना तक तो आप लोगों ने देख ही लिया। अगर हम इसी को उत्तर प्रदेश की ओर अगर थोड़ा रुख करें कि उत्तर प्रदेश से क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो ये योगी सरकार से निकल कर आ रही है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा है तो टाइटल आप लोग देख सकते हैं कि टाइटल, किसी दिन रोटी तो किसी दिन सोयाबीन, यूपी में अब बदले नजर आएंगे आंगनबाड़ी सेंटर। जी हाँ, खान पान में काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ोतरी मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों की दशा सुधारने वाली है। मिड डे मील की तर्ज पर यहाँ भी मेन्यू के हिसाब से खाना परोसा जाएगा। जैसा कि हमने आप अभी लोगों को बताया था कि दिल्ली में बदलाव कर दिया गया है, तो दिल्ली के बाद जो है, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बदलाव करने वाला है। तो इस वजह से बिहार में भी होगी, झारखंड में भी होगी, अगल बगल के जितने भी राज्य में सभी में देखने को मिलेगा। यूपी में करीब 65% यानी कि 75% आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के परिसर से संचालित होते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा अगर हम इसको स्क्रॉल कर लें और आप लोगों को थोड़ा दिखा दें कि क्या कहा है योगी सरकार ने, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन से छः वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की दशा में काम कर रही है।
और उत्तर प्रदेश सरकार योजना के सुचारू संचालन के लिए मिड डे मील योजना की तर्ज पर एक समान मेन्यू रखने का निर्णय ले सकती है। जैसा कि आप सभी को हमने अभी बताया कि दिल्ली में हो चुकी है इसका फैसला, तो अब आ चुका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी अब मतलब कि क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी अब फैसला लिया जाने वाला है। तो बचा कौन, अगल बगल के राज्य दो, बिहार, एक बचा बिहार और एक बचा झारखंड। जी हाँ, बिहार और झारखंड से भी अब तो कुछ न्यूज़ तो निकल कर आने ही वाली होगी। तो जैसे ही आएगी यहाँ से खान पीन को लेकर के फिर क्या अपडेट निकलेगी, तो हम इसके बारे में तो हम आप लोगों को बताएंगे ही आने वाले अपडेट में। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी, तो हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।